Assalamualaikum. Welcome to Pakistan's Stocknetics. ये हमारा YouTube का चैनल है जी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से. इसमें हम कोशिश करते हैं कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सके. तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ. आज हम कोशिश करेंगे इस चीज को जानने की कि मंडे वाले दिन यानी कि 16 नवंबर को पाकिस्तान मार्केट जो है उसकी मुमकिना तौर पर जो मूव है वो क्या हो सकती है. अगर हम जुमे वाले दिन का देखें तो मार्केट जो है वो तकरीबन 4 पॉइंट जो है वो 4.79 तकरीबन जो है वो पॉजिटिव में बंद हुई है. तो इसको मैं तो खैर पॉजिटिव नहीं समझता. मेरे ख्याल में तो ये नेगेटिव ही है. अब अब चलते हैं आगे और इसको टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं कि मुमकिन तौर पर मंडे वाले दिन जो है वो इसकी क्या पोजीशन हो सकती है. इसको पहले कैंडल पे चलते हैं और जो लास्ट कैंडल थी उसको देखने की कोशिश करते हैं. देखिए लास्ट कैंडल जो है वो अगर आप ये देखें इसको तो इसकी ये जो विक है ये वाली ये नीचे से काफी लंबी है. तो इसको हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं. तो इसमें मुझे जो मेरा जो इसमें जाती राय है कि इंशाल्लाह ताला कि इसमें ये जो वीक नीचे से ज्यादा है ना इसका मतलब ये होता है कि इसमें मार्केट में बायर्स जो हैं वो ज्यादा हैं. तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मुमकिन तौर पर जो मार्केट है वो पॉजिटिव होगी. अब इसको हम इंडिकेटर्स की मदद से देखते हैं. मैं ज्यादा इंडिकेटर्स तो इस्तेमाल नहीं करता, बोलिंजर बैंड इस्तेमाल करता हूं. उसमें अगर हम देखें तो ये जो 20 डीएमए लाइन है इससे ये नीचे है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि ये मार्केट जो है ये इंशाल्लाह मंडे वाले दिन ऊपर जाएगी, पॉजिटिव में होगी. इसके साथ जो है वो हम पैराबोलिक इस्तेमाल करते हैं और इसको थोड़ा सा अगर हम थिक कर सके मोटा कर सके ताकि ये इजीली नजर आ जाए. इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं. तो ये भी ये देखें कि इसमें इसका जो फासला है कैंडल से वो काफी ज्यादा है. तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट वो पॉजिटिव में होगी. इसके साथ हम चेक करते हैं RSI को. RSI जो है वो मैं जो इस्तेमाल करता हूं वो स्टोकेटिस्ट RSI है. हाँ, अब जो मैं RSI जो बाकी जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल RSI इस्तेमाल करते हैं. उसमें वो रीडिंग्स तो देखते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड. अब RSI जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव जो है वो मुझे दिखा रही है. ये देखें आप कि ये यहां से इसने इसको काटा है और ब्लू लाइन जो है वो नीचे की तरफ है. तो ये थोड़ा सा एक इंडिकेशन जो है वो नेगेटिव की है. लेकिन फिर भी दो इंडिकेटर्स जो है वो तो जो कि उसके पॉजिटिव में उसके हक में है और ये एक जो है वो नेगेटिव में है. देखिए इंडिकेटर्स के हवाले से ये है कि इंडिकेटर्स जो है ना ये कोई हरफे आखिर नहीं होते. और एक चीज ये जहन में जरूर रखिएगा कि जो इंडिकेटर्स जो है ना ये आप यूं समझ लीजिए कि ये एक ऐसी चीज है कि जो वाकया पेश आने के बाद मूव करते हैं. यानी कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है तो फिर ये इंडिकेटर भी आपको बताते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है. ये ऐसा नहीं होता कि ये कबल अज वक्त आपको बता दें कि ये ऐसा कुछ होने वाला है. ये वाकया होने के बाद की निशानदेही करते हैं. तो इसलिए मुझे उम्मीद है
इंशाल्लाह मार्केट जो है वो पीर वाले दिन जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि मेरा जो है ज्यादातर वो ये जो लॉन्ग विक है कैंडल की, मैं ज्यादा कैंडल स्टिक्स के ऊपर जो है वो देखता हूँ कि कैंडल स्टिक्स जो है वो क्या कह रही है। और पैराबोलिक जो है ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इनशाला मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट पॉजिटिव में हो सकती है। बाकी बाइंग सेलिंग जो है वो आप अपने भी हाथ पर कीजिएगा, ये तो हमारा एक एक्सपीरियंस जो है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह कल मार्केट खुलेगी तो फिर देखेंगे कि किस तरफ मूव चलती है और फिर उसके बाद उसका जायजा लेंगे। इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर जो है वो आपके साथ ये रास्ता रहा रहेगा। आप लोग अगर जो है वो किसी मखसूस कंपनी के बारे में पूछना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो चैनल हमारा नया है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि इसमें किस चीज की कमी है, वो हम इसको वक्त के साथ साथ बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।